नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही विशेष है, बहुत ही खास है, और आज हम बताने वाले हैं एक बहुत जबरदस्त अस्त्र के बारे में, जो शिव जी का अस्त्र था और जो रावण का प्रमुख अस्त्र था। दोस्तों, इस अस्त्र के बारे में जानकारी श्री कृष्णा सिंह जी ने हमसे मांगी थी कॉमेंट्स के जरिए, तो कृष्णा सिंह जी आपके लिए और हमारे सारे दर्शकों आप सबके लिए आज हम सुनाएंगे आपको कहानी रावण की चंद्रहास खड़ग के बारे में। दोस्तों, चंद्रहास खड़ग इस पृथ्वी की, इस सारे संसार की, ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली खड़ग या तलवारों में से एक है। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि एक तलवार रावण के पास कैसे आई और कैसे इस तलवार ने रावण को त्रिलोक विजयी का दर्जा दिला दिया, एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुबेर भगवान रावण के सौतेले भाई थे? जी दोस्तों, दोनों के ही पिता एक थे और दोनों ही बहुत ही मेधावी थे। ऋषि विशर्व के पुत्र थे दोनों ही, यानी कि रावण और कुबेर। और रावण के लंकापति बनने से पहले कुबेर लंकापति थे। दोस्तों, जब रावण ने बहुत तपस्या करी, बहुत शक्ति अर्जित करी, तो उन्होंने कुबेर से एक जबरदस्त भयंकर युद्ध किया। दोस्तों, ये युद्ध इतना भयंकर था कि तीनों लोक मानो हिल गए और सारी असुर शक्ति इसमें लगा दी गई। कुबेर कहीं ठहर नहीं सका रावण के बुद्धि बल और तेज के आगे, और वो बहुत ही जल्द इस युद्ध को हार गया। जब वो युद्ध हार गया तो रावण लंकापति या लंकेश के नाम से प्रसिद्ध हो गया और लंका नगरी पर वो राज करने लगा। दोस्तों, रावण बहुत ही विद्वान था, बुद्धिमान था और बहुत ज्यादा ज्ञानी भी था, मगर फिर भी क्योंकि उसमें असुर तत्व था तो उसमें बहुत ज्यादा घमंड भी था और बहुत ज्यादा ईर्ष्या, और अपने बल का प्रदर्शन करना भी वो भली भांति जानता था और वो करता भी था। तो जब कुबेर को उसने युद्ध में हराया तो उसके अगले दिन वो पुष्पक विमान, जो कि कुबेर से ही प्राप्त किया था रावण ने, जो कि एक तरह का हवाई जहाज था उस जमाने का, और पुष्पक विमान के बारे में भी हम आपको एक और अलग से वीडियो में बहुत डिटेल में बताएंगे कि वो कितना ही परिष्कृत और कितना ही एडवांस्ड किस्म का एयरक्राफ्ट था, ये हम आपको आने वाले वीडियोस में फिर बताएंगे। मगर वो पुष्पक विमान में भ्रमण करने लगा, अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगा, और ये करते करते दोस्तों वो कैलाश पहुंच गया। अब कैलाश जैसे ही वो पहुंचा तो वो पुष्पक विमान और ऊंचा उड़ नहीं सका और ऊपर जा नहीं सका। कैलाश पे शिवजी और पार्वती जी विश्राम कर रहे थे तो रावण ने जबरदस्त गर्जना करी और रावण ने कहा कैलाश को कि तुम मेरे स्थान के सामने से हट जाओ, मेरे मार्ग से हट जाओ और मुझे रास्ता दो। लेकिन कैलाश माने नहीं और कैलाश ने कहा नहीं, इस समय भगवान शिव और पार्वती विश्राम कर रहे हैं और मैं हिल नहीं सकता, इस तो मैं कुछ भी करके आपको मार्ग नहीं दे सकता। इस पर रावण ने बहुत बड़ी चुनौती दे डाली कि अगर तुम स्वयं नहीं हिले या हटे तो वे खुद अपने हाथों से हिमालय को उठाकर परे कर देंगे। कैलाश फिर भी टस से मस नहीं हुए दोस्तों, और इसके फलस्वरूप रावण ने नीचे उतरकर अपने दोनों हाथों से पूरे कैलाश को उठा लिया। जी हाँ दोस्तों, पूरे के पूरे कैलाश पर्वत को उन्होंने उठा लिया। जैसे ही कैलाश पर्वत उठा, शिव जी एकदम से उठ गए और उन्होंने रावण को सबक सिखाने के लिए अपने पैर को बस हल्के से कैलाश के ऊपर भरक के, मतलब मारा एक तरीके से, और पूरा कैलाश धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और रावण की छोटी उंगली हाथ की उस कैलाश के नीचे आकर के कुचल गई।
उसी दिन रावण समझ गया कि वह एक ऐसी शक्ति के सामने खड़ा है जिससे पूरा संसार का संचार और संचालन होता है, और वो उसी दिन से शिव का महाभक्त बन गया। दोस्तों आप जानते हैं, उसी दिन पहली बार शिव जी के लिए शिव तांडव स्तोत्रम की स्तुति गान किया गया। पहली बार रावण ने शिव तांडव स्तोत्रम गाया था। वो गाने के बाद दोस्तों भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसको अपना बहुत ही खास भक्त स्वीकार कर लिया, और उसी खुशी में उसको यानी कि रावण को चंद्रहास खड़क उपहार स्वरूप दे दिया। दोस्तों चंद्रहास खड़क की बात करते हैं तो चंद्रहास खड़क शिव जी का अपना पर्सनल त्रिशूल के बाद प्रयोग करे जाने वाला अस्त्र था। उसे ब्रह्मास्त्र भी काट नहीं सकता था, कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती थी, और वो समस्त पर्वत श्रृंखलाओं को एक बार में काट के अलग कर सकता था। हम आपको बताते हैं दोस्तों कि चंद्रहास के अंदर ऐसी क्या खास बात है। दोस्तों चंद्रहास दो शब्दों को मिलाकर के बनाया है। पहला शब्द है चंद्र और दूसरा शब्द है हास। चंद्र का मतलब चंद्रमा यानी कि मून, और हास का मतलब है हास्य यानी हंसी। तो ये चंद्रमा की हंसी यानी कि मुस्कुराते हुए चांद जैसी प्रतिमा लगती थी उसको देखने पर, तो हंसता हुआ चांद या मुस्कुराता हुआ चांद जैसे गोलाकार आकार में ये खड़क बनाई गई थी। दोस्तों तलवार और खड़क के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि तलवार थोड़ी पतली होती है और खड़क थोड़ी बड़ी भारी और चौड़ी होती है। चंद्रहास की कई सारी खूबियां हैं दोस्तों। चंद्रहास की एक बड़ी जबरदस्त खूबी ये थी कि वो आने वाली लाइट को किसी भी एंगल में डिफ्लेक्ट कर सकता था। इसका मतलब ये था कि एक तो कोई भी रोशनी या कोई भी चीज जो सामने से पड़ रही हो वो उस लाइट को किसी भी एंगल में किसी भी तरह से डिफ्लेक्ट कर सकता था। इस तरीके से मानो कि तीर लेफ्ट से राइट को छोड़ा गया हो लेकिन दुश्मन को लगे कि वो राइट से लेफ्ट की तरफ छोड़ा गया, या फिर जब वो दुश्मन पे हमला करता तो वो खड़क नजर ही नहीं आती थी क्योंकि वो अपने आप की तरफ आती हुई लाइट को डिफ्लेक्ट कर देती थी। चंद्रहास एक बहुत ही मायावी तलवार भी थी, और एक अच्छे सिद्ध असुर के हाथ में आ जाने से उसकी माया रचने की क्षमता बहुत ही अधिक बढ़ जाती थी। इस चंद्रहास की मदद से कई बार आतिकाया जो कि रावण का पुत्र था उसने अशोक वाटिका में जाकर के सीता मैया को भरमाने की भी कई दफे कोशिश करी जो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, लेकिन इस तलवार की जरिए चंद्रहास के जरिए रची हुई माया अपने सामने खड़े हुए शत्रु को पूरी तरह से भ्रमित करने के लिए पर्याप्त थी। चंद्रहास में एक ऐसी शक्ति थी दोस्तों जिससे वो युद्ध भूमि के आसपास एक अलग ही चित्र तैयार कर सकती थी। मानो आप युद्ध लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, परंतु चंद्रहास के प्रयोग से आपको यूं लगेगा मानो आपकी सारी की सारी सेना तराही तराही कर रही है और वो यहां वहां भाग रही है और आप अपना युद्ध हार रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी माया उस चंद्रहास खड़क से रची जा सकती थी। दोस्तों चंद्रहास खड़क सुदर्शन चक्र के बराबर माना गया है, और शिव जी के त्रिशूल के बाद ये सृष्टि का सबसे संहारक अस्त्र था। परंतु दोस्तों रावण ने जब ये चंद्रहास खड़ग शिव जी से प्राप्त किया था तो शिव जी ने उसको एक बात ये भी कही थी कि ये चंद्रहास खड़ग उसको त्रिलोक विजयी जरूर बना देगा, मगर अगर इसने गलत उपयोगों के लिए चंद्रहास का प्रयोग करा तो वो चंद्रहास शिव जी के पास लौट आएगा और उसके बाद रावण का असीम पतन शुरू हो जाएगा। और दोस्तों इतिहास जानता है कि ऐसा हुआ भी। रावण ने बहुत लड़ाई करी लेकिन वो जीत नहीं सका श्री राम से, क्योंकि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और अस्त्र शस्त्र के
परे भी ऐसे लोग थे और ऐसी सिद्धियां थी जिन्होंने रावण को हारने पर मजबूर कर दिया था, और वो था अधर्म। रावण के बारे में बहुत सारी और भी रोचक तथ्य हैं दोस्तों, जो हम आने वाली वीडियोस में आपको लाते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों आपको बिल्कुल कमेंट करना है और हमको बताना है, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम और नई वीडियोस ला सकें आपके पास। यदि आपके पास कोई सवाल है, कोई प्रश्न है या कोई सजेशन है तो भी आप उसे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों यदि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते ये हमारी कम्युनिटी बिल्कुल भी कमज़ोर पड़े और हमारी सारा ज्ञान, हमारी भारत की सारी सभ्यता, सारी संस्कृति की छुपी हुई, विलुप्त हुई हुई कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।